दिल्ली की सामान्य बैठक में कांग्रेस प्रदेश महासचिव योगेंद्र लुम्बा ने प्रियदर्शनी सिंधिया को गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसकी सहमति सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में दी। विदित रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद उनकी व्यस्तता काफी बढ़ गई है। वहीं प्रियदर्शनी पिछले दो चुनाव से गुना की जनता से चुनाव प्रचार के माध्यम के अलावा भी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर जुड़ती रही हैं। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस महासचिव योगेंद्र लुम्बा ने प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी है, उनको गुना से सांसद बनाने की बात की है, लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी के हाथ में रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गुना संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक के लिए राजेंद्र भारती जी ने आज गुना में गुना जिले के जो दो विधानसभा क्षेत्र गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, गुना व बहोरी, उनके प्रमुख कांग्रेस जनों की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक लोकसभा के प्रत्याशी के संदर्भ में आयोजित की थी। उस बैठक के अंदर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि चूंकि वर्तमान सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश में 40 संसदीय क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है, उस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि कांग्रेस आला कमान श्री सिंधिया को किसी अनियंत्रित स्थान से चुनाव लड़ाने के बारे में सोचता है या कुछ और निर्णय लेता है, तो उस परिस्थिति में गुना संसदीय क्षेत्र से उनकी पत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी को गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। और उसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि विगत दो लोकसभा चुनाव से श्रीमती प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी ने चुनाव प्रचार की कमान में संभालते हुए अपना विशिष्ट योगदान उस चुनाव अभियान के दौरान दिया था, और उसके उपरांत भी वो रचनात्मक कार्यों के माध्यम से गुना संसदीय क्षेत्र से सतत संपर्क में रही हैं, जुड़ी रही हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही ये प्रस्ताव रखा गया, जिसको सहज समस्त कांग्रेस जनों ने एक मत से स्वीकार किया। पर क्या जो एक आभा मंडल है सिंधिया साहब का, वो और इनमें कुछ अंतर नहीं आएगा, जैसे काम करने की शैली या अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं? नहीं, आभा मंडल निश्चित तौर पर उनने जो कार्य किया है उनके उस कार्य का, उनके सतत संपर्क का कांग्रेस पार्टी को और फिर विशेष करके श्रीमती प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी को निश्चित तौर पर और अधिक ही लाभ मिलेगा।